12.2 का, 14.2 का थ्योरी में देखो एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, एक एग्जांपल देख लो, बाकी आप खूब बढ़िया से कल बना लीजिएगा, सब अभ्यास में के लग जाएगा। देखो बाबू, सबसे पहले उदाहरण एक आप देख रहे हैं, ठीक है ना। उदाहरण एक आपकी किताब में उदाहरण नंबर एक दिया और कह रहा है, देखो ध्यान से, कि गणित के परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक लीजिए, ठीक है। इस अंक को देखकर आप अधिकतम और न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, इसके बाद से इस अंक का परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तब आपको बताना है का का निकालना है। जैसे मान लो दे दिया है एक उदाहरण में कि 55 है, फिर 36 है, 95 है, 73 है, फिर 60 है, 42 है, 25 है, 78 है, 75 है, 62 है, का अधिकतम अंक, अधिकतम अंक, न्यूनतम अंक और परिसर बताइए, ठीक है। तो देखो सब लोग कैसे हल कर, अच्छा बताओ तुम लोग, इस क्वेश्चन से देखकर ही पता चल रहा है कि अधिकतम अंक पूछा था। सबसे बड़ा देख लो कहाँ है, कितना है, 95 होगा कहीं, तो अधिकतम हो जाएगा। और न्यूनतम कितना है, सबसे कम 25 भी है ना, 25। और जब भी परिसर कहेगा ना तो अधिकतम से न्यूनतम घटा देंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर अधिकतम हल कर, मैं लिख लो अधिकतम अंक 95, न्यूनतम अंक 25, परिसर अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, अधिकतम अंक 95, न्यूनतम अंक 25, 5 × 5 = 0, 9 × 2 = 7, इतना आपका आंसर आ रहा है। तो 95 − 25 कर रहे, समझ में आया है। परिसर, परिसर हमेशा अधिकतम है तो न्यूनतम घटा देना। उदाहरण आपने देखा, अब आओ उदाहरण नंबर एक के बाद उदाहरण नंबर टू मिटा दे, समझ गए होंगे आप लोग। इसी से आपका उदाहरण एक दो जो भी होगा उसको बना लीजिएगा। अच्छा एक सवाल और भी दिया गया है, समझ गए होंगे आप लोग। उदाहरण नंबर टू पर आ जाओ सभी लोग। उदाहरण टू क्या कहता है बाबू, 30 विद्यार्थी दिए गए हैं, कौन कौन, देखो मैं लिख रहा हूँ, 10, 20, 36, 92, 95, 86, 87, 72, 76, 80, 70, 72, 76, 80, 92, 76, 50, 50, 56, 56, 56, 56, 57, 57, 58, 60, 60, 88। ठीक है, अब जानते हैं इस क्वेश्चन से आपको क्या पूछा है। इस क्वेश्चन से पूछता है बारंबारता बताना है, ठीक है। बारंबारता बंटन सारणी बनाना है, पहले ही जाना बारंबारता बंटन सारणी बनाना आपको, ठीक है। चलो मिलान चिन्ह भी आपको लिखना है इसमें, मिलान चिन्ह, इसी को टैली चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या करिएगा ना, जब भी बनाना होगा तो यहाँ अंक लिख लो, सब लोग समझे, यहाँ अंक लिखो, ऐसे आप चाहें तो बारंबारता लिख लो, या चाहे तो मिलान चिन्ह या टैली चिन्ह जो अभी आपको लिखाए हैं उसको लिख लो। सब लोग देखो ध्यान से, ठीक है, और सुनो ध्यान से,
अंक जो होता है सबसे कम होता है उसी से शुरू करता है। सबसे कम 10, तब 20, तब 36, तब 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95, 92, 95। चलो ये तो कहाँ है इतना सब लोग जाने। एक अंक कई बार आया हो एक ही बार लिखना है, छोटा से शुरू करते हैं बड़ा में चलते हैं। 10 देख लो कितना आया है, तो एक लिखो, बस काउंटिंग करते जाना है। 10 कितना बार आया है, एक बार करे कितना देख लो। चलिए 20 भी देखेंगे तो कितना बार आया, एक बार। 36, 3 बार। 40, काउंटिंग कर ले एक बार, 4 बार। 50, 56, 60, हल्दी गिर 70, बड़ा जल्दी गिर 72, एक बार है। 80 भी एक, 88, 92, 95, बताओ ना। चलो कंप्यूटर भी इतना तेज है। अच्छा चलो मिलान चिन्ह में क्या करना है, मिलान चिन्ह में क्या करना है, एक है तो एक लिख दो, एक है तो एक लिख दो, तीन है तो तीन को, चार है तो एक दो तीन, चार ना चार गुले पांच रहेगा तब काटते हैं। एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक 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 दो, एक दो तीन एक, समझ रहे हो क्या? आपको समझ में आया? अगर इस टाइप के सवाल आपको नजर आएगा तो बना लेंगे सब लोग, थोड़ा सा एक नोट कर लीजिए, एक नोट कर लीजिए जल्दी से।